आप या आपके बच्चे अगर 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति अच्छा बनाने के लिए और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, इसको लेकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों की शिक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बड़े बदलाव के तहत साल में एक बार होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं अब 2 बार होंगी। दोनों एग्जाम में से जिसमें स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आएंगे उसे गिना जाएगा। चलिए बताते हैं आपको आखिर ये बदलाव क्यों किए गए और क्या है इन बदलाव के मकसद और बच्चों को इनसे क्या फायदा होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार किया गया है। 2024 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के अनुरूप तैयार होंगी। इस पैटर्न का मकसद यह है कि बच्चों का विषय पर पूरा फोकस बना रहे। वहीं केंद्र सरकार से प्रदेश की सरकारों को यह आदेश जारी किया गया है, लेकिन कुछ राज्य की सरकारों ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है, जिनमें तमिलनाडु, केरल की गवर्नमेंट है। वहीं कर्नाटक सरकार को भी यह आदेश भेजा गया है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से राज्य इस पर सहमति देते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि शिक्षा में इस नीति को लागू करने से कई बड़े बदलाव होंगे, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश की सरकारों से बातचीत हो रही है, जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 साल में 2 बार होने लगेंगे। दोनों परीक्षाओं में अच्छी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं नंबर लाएंगे, उन नंबर को जोड़ा जाएगा। जानकारी के मुताबिक 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं में भी कुछ बदलाव किया जाएगा, जिनमें विद्यार्थियों को 2 भाषा पढ़नी होगी, जिसमें एक भारतीय भाषा होगी और दूसरी अन्य भाषा। इस पैटर्न के तहत विद्यार्थी अपना मनचाहा सब्जेक्ट चुन सकेंगे। शिक्षा मंत्री के इस नीति में कहा गया कि एकेडमी सेशन 2024 में किताबों को लेकर कई बदलाव किए जाएंगे। किताबों में अब भारी भरकम सिलेबस नहीं रहेगा और किताबों में विद्यार्थियों को काफी छूट मिलेगी। किताबों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। नया सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। स्कूल बोर्ड कोर्स पूरा होने पर ऑन डिमांड एग्जाम कराने की मांग कर सकेंगे। इन बदलावों के पीछे कुछ उद्देश्य स्टूडेंट्स को महीनों तक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने के मुकाबले उनकी समझ और उपलब्धि का आकलन करना है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि इस नीति को जब प्रदेशों में लागू कर दिया जाएगा तो विद्यार्थियों के अंदर अलग बदलाव देखा जाएगा। अब सबके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। इस बदलाव के तहत 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी, जिससे बच्चे अपनी तैयारियों का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। विद्यार्थियों को एक ही सब्जेक्ट या उससे जुड़े तथ्यों को साल भर तक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नई किताबें भी तैयार की जा रही हैं। इससे महीनों तक कोचिंग लेने या याद रखने के बजाय समझ और योग्यता का मूल्यांकन करने की दक्षता बढ़ेगी। विषयों की गहरी समझ और उसका व्यवहारिक कौशल सशक्त होगा। बच्चों को आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के अलावा नए विषय चुनने का मौका मिलेगा। नए विषय भविष्य की जरूरतों के अनुसार हों। स्कूल बोर्डों को ऑन डिमांड परीक्षा कराने की क्षमता विकसित करनी होगी। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। इसमें शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया था। सरकार ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्य के सहयोग से जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले 34 साल पहले यानी 1986 में शिक्षा नीति पहल पाएगा लाई गई थी और 2020 के पहले तक उसमें ही बदलाव किए जा रहे थे। अब देखना ये होगा कि बच्चों को इस नई शिक्षा नीति से कितना फायदा होगा और ये नीति किस तरह काम करेगी, और ये सब तो 2024 की परीक्षाओं के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।